अस्सलाम वालेकुम आज मॉड्यूल वन वन सिक्स करेंगे इसमें हम करेंगे कन्वेयन ऑफ एनर्जी अच्छा जी द फॉलोइंग फोर्स फील्ड अच्छा हमें एफ फोर से गी है एफ हमें गिवन है ये और आपने यहाँ पे बताना है वेदर इट इज गिवन इज कंजर सबसे पहले आपने बताना है कंजरवेटिव है या नहीं यानी कि इसका एफ डेल क्रॉस एफ फाइंड करना है और अगर आपके पास जीरो है तो कंजरवेटिव है अगर जीरो नहीं है तो नॉन कंजरवेटिव से करना है उसके बाद आपने पोटेशन एनर्जी फाइंड करनी है पोटेशन एनर्जी का फार्मूला है वो अप्लाई करना है नेक्स्ट आपने क्या करना है फॉर द पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन फाइंड द वर्क डन अच्छा वर्क डन फाइंड करना है पॉइंट्स गिवन है उनका अच्छा जी पार्टिकल ऑफ़ एम मूव मूवी वी फील्ड शो ई इज़ द कांस्टेंट टोटल एनर्जी देन अच्छा बताना है कि टोटल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट है और फाइव वाले में हमने बताना है कि ये वाली जो वा तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनर्जी के इक्वल है तो सबसे पहले एफ डेल क्रास एफ़ निकाला हमने यहाँ पे देखा आंसर जीरो है या नहीं तो इसका आंसर ज़ीरो आ गया तो इट इज़ कंजरवेटिव पार्ट टू आपने करना है इसमें आपने क्या करना है फील्ड इज कंज़रवेटिव देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल वी अच्छा जब कंजरवेटिव है तो फील्ड इज़ दे रे एग्जीट पोटेंशियल वी तो मैंने क्या कहा था एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी होता है तो डेल वी फाइंड करते हैं ठीक है तो एफ आपको गिवन है यहाँ पे और डेल भी पता है और वी नहीं पता तो एफ इज इक्वल टू ये इक्वल था ठीक है अब आप आपने यहाँ पे किया क्या ये डेल वी के इक्वल किया इसको एफ इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी तो डेल की जगह पे पार्शल उनका डेरिवेटिव लिए वी वेक्टर के और ये आपके पास आ गया आंसर माइनस डेल वी का ठीक है हमारे पास के आंसर आ गया ये डेल वी हमारे पास ये आ गया और हमने इसको अलग अलग कर लिया यानी कि एफ़ का हम लोगों ने डेरिवेटिव यहाँ से ठीक है अब हमने इसके डेरिवेटिव के पार्ट को कंपेयर किया सारों के वी वाला इला कर लिया एक्स के रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट और जी के रिस्पेक्ट तो ओवरऑल हमारे पास वी की वैल्यू जो आ गई वो यहाँ पर हमने लिख ली इस तरह अपने विलासटी बतानी है पोटेंशियल ए के तो आपको पता है ये विलासटी है हमारे पास ये है हाफ एम वी स्केयर होती है ना तो एम वी स्केयर की जगह पे हम लोगों ने ये वन बाई फाइव के ए गए ये देखिए इसको कह रहे हैं हमारे पास वन बाय फाइव के आरस की आई है ना तो पॉइंट ए के लिए कर रहे हैं तो आर की जगह पे यहाँ पे ए पुट कर दिया अगर बी के लिए कर रहे हैं तो बी पुट कर दिया वही फाइंड आउट करके अच्छा ए और बी की निकाल रहे हैं तो ए माइनस बी ये ए माइनस बी की ठीक है ए माइनस बी की विलास्टी तो आपके पास सॉल्व करके आपके पास ये चीज़ आ गई ठीक है अब आपने क्या किया यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि v वी इक्वल होता है v इज़ इक्वल टू डी आर बाई डी टी होता है ठीक है तो डी आर बाई डी टी तो v का स्केयर है तो यहाँ पे दोनों साइड पे स्केयर आ जाएगा तो यहाँ पे ये यह पुट आउट किया फिर v की वैल्यू निकाल ली जो कि हमारे पास पहले निकाल चुके हैं वन बाई फाइव की आर स्केयर आई थी और e हमारे पास क्या थी t प्लस वी अब हमारे पास देखें t भी आ गया v भी आ गया तो दोनों को इस फार्मूले में पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया है प्रूव हो गया नेक्स्ट मॉड्यूल्स वन वन सेवन में हमने इम्पल्स पढ़ना है इम्पल्स और इसकी डेरिवेशन अच्छा इसकी डेफिनेशन पढ़ना है इम्पल्स हमारे पास होती क्या है अच्छा जी ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है आपको ये पता हो इसकी डेफिनेशन अपनी याद कर लेनी है और इसमें ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है इसमें फोर हज डशनल क्वान्टिट्टी है और ये जो इम्पल्स होती है वो डिजट बॉडी पे अप्लाई होती है और इसका जैसा यूनिट होता है वो न्यूटन सेकेंड होता है और इसमें हमारे पास दो पार्टिकल पी वन पी टू होते हैं और टाइम्स टी वन टी टू होता है और, और वेलोसिटी वी टू वी वन वी टू होती है अच्छा जी फोर्स ऑफ लाइन टाइम इंटीग्रल के अकॉर्डिंग हमारे पास फोर्स होती है एफ़ और टाइम इंटीग्रल के अकॉर्डिंग है तो लिमिट में टी वन टी टू आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव में भी टी के साथ टी आ जाएगा तो ये इम्पालस की फोर्स होती है अपनी याद रखनी है इम्पाल्स की फोर्स में हमारे पास ये चीज़ आती है तो फोर्स इसमें हमारे पास मोमेंटम भी होती है तो एम वी टू माइनस एम वी वन आ जाती है तो एम को मैंने आपको बताया था ना एम वी टू को हम पी टू कहते हैं रो टू या पी टू पी वन ठीक है यहाँ से आपने प्रूव करना है इसको प्रूव को छोड़ दें बस मॉड्यूल वन एटीन एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स अच्छा यहाँ पे क्या कहा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पल्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है मैथ टू हंड्रेड गीवन है ये टू हंड्रेड हमने नीचे लिख लिया एंड वेलोसिटी क्या है इसकी ये इसकी वेलोसिटी भी गिवन है ये वी बी वन भी गिवन है और वी टू दो वेलोसिटीज गिवन है ठीक है अब हमें यहाँ पे तीन चीज़ें गिवन है और हमने फाइंड आउट करनी है इम्पल्स तो आपको पता है इम्पल्स का फार्मूला पी टू माइनस पी वन होता है लेकिन यहाँ पर पी टू पी वन नहीं दिया गया यहाँ पर वी वन वी टू गी है तो आपको पता है कि पी किसके इक्वल होता है एम वी पी टू होगा तो एम वी टू हो जाएगा और पी वन के लिए एम वी वन हो जाएगा ठीक है एम भी पता है वी टू वी वन भी पता है तो वैल्यू पुट करके आपने आंसर दे देना है यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है ये ठीक है इम्पल्स का इसको जब मल्टीप्लाई किया लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं मैग्नीट्यूड बताएं तो मैग्नीट्यूड कैसे होता है स्केयर रूट के अंदर वैल्यू लिखते हैं और हार्ड जो टर्म होती है उसका स्केयर प्लस नेक्स्ट का स्केयर इसी तरह करते हैं तो यहाँ पे देखें क्या था इन्होंने टू हंड्रेड को ही रखा यहाँ पे नाइन लिया नाइन कैसे आया पहले टर्म थी थ्री तो थ्री का स्केयर माइनस थ्री का स्केयर ये देखें स्केयर रूट के अंदर लिखा माइनस थ्री का स्केयर प्लस सिक्स का स्केयर प्लस माइनस नाइन का स्केयर इन सब का स्केयर लिया इनका ओपन किया और हमारे पास सॉल्व आउट करने के बाद आंसर आया वन पॉइंट एट न्यूटन सेकेंड नेक्स्ट वन वन नाइन लेक्चर है टॉर्क क्या होता है तो जब भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल टॉर्क सिंपली आपको ये पता होना चाहिए इसका ऐसा यूनिट क्या है इसका सारा आपने ये रीड आउट कर लेना है यहाँ पे टॉर्क का जो फार्मूला है वो होता है आर क्रॉस एफ़ और इसमें टॉर्क का ये सिंबल होता है ये टी थोड़ा सा टी टाइप होता है थोड़ा सा पाई जैसी नहीं होती वैसे उसकी एक टांग होती है उस टाइप होता है और अगर क्रास खत्म करें तो आपके पास पता है क्रॉस में आपके पास साइन लगता है तो आर एफ साइन थीटा आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट ये हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर और इसकी डायरेक्शन को हम डिटर्मिन करने के लिए कौन सा रूल यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल उसमें ये थ्यूराम इसका ये फार्मूला भी हो सकता है टार्क इज़ इक्वल टू डी ये डेरिवेटिव और ये जो चीज़ है हमारे पास आर क्रास पी के वाला ठीक है नेक्स्ट आपने प्रूव करना है आर क्रास एफ़ इज़ इक्वल टू आर क्रास एम ए तो आपको पता है यहाँ पे एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए होता है तो एम क्रास आर क्रास ए ये देखें इन्होंने एम को बाहर ले लिया यहाँ से बाहर और यहाँ पे एक की जगह पे डी वी वाई बाई डी टी पुट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया एम डी बाई डी टी को बाहर ले लिया और आर क्रास वी ठीक है ये जो वी था इसको अंदर रखा और ये जो साथ में डी बाई डी टी था ना इसको बाहर ले गए नेक्स्ट ने क्या किया डी बाई डी टी आर क्रास एम वी आ गया ये एम को दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया और आपको पता है एम वी पी के इक्वल होता है तो यहाँ पे पी पुट कर दिया और ये हमारा प्रूफ भी हो गया अब हम करेंगे टार की एग्जांपल तो यहाँ पे क्या गिवन है मैस स्पेस का डिफाइंड बाय आर अच्छा आर के पोजीशन वेक्टर है आर हमें गिवन है और हमने टार्क फाइंड करना है तो हमने क्या कहा था टार्क किसके इक्वल होता है आर क्रास एफ़ होता है तो ना तो यहाँ पे एफ़ तो नहीं है हमारे पास और एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड करनी है ये तो यहाँ पे देखें टार्क इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी आर क्रास पी होता है आर है पी नहीं है हमारे पास ठीक है तो अब हमने क्या किया पी निकालना है तो पी किस के कमर होता है ये हम सबसे पहले वी निकालते हैं वी इज़ इक्वल टू डी आर बाई डी टी अच्छा जो आर हमें गिवन है उसका डेरिवेटिव लेंगे और वी आ जाएगा फिर आपने क्या किया जो वी की वैल्यू आई है ये हमारे पास वी की वैल्यू आई है अब आपने इस वी की वैल्यू को क्या किया दोबारा से इंटीग्रेट किया और आपके पास ये आ गया ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखें ना क्या कह रहे हैं यहाँ पे पीछे मैंने आपको बताया भी था डी वी बाई डी टी वाला रिलेशन तो वो यहाँ पे यूज़ रहे हैं डी वी बाई डी टी यानी कि डेरीवेटिव लिया इसको डे, इसका डेरीवेटिव लिया वी का और ये पी की वैल्यू आ गई अब हमने क्या किया आर क्रास पी हमें पता है टार किसके कॉल होता है आर क्रास पी तो आर आई जे के यहाँ पे आएगा ऊपर आर की वैल्यू नीचे पी की वैल्यू और इसको इसका जो है ना इसको ना डिटर्मिनेट लिया और हमारे पास ये आंसर आ गया यहाँ पे टार्क हमारे पास आर क्रास पी का डेरीवेटिव क्रास इक्वल है जीरो होता है तो आर क्रास पी निकाल है तो उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा ये इसके पास आंसर आ गया हमारा आर क्रास पी का और यहाँ पे ये यह हमारा टॉपिक भी एंड हो गया है